ये तावीज है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद साबिर साहब। कितने में खरीदे है तावीज? मैं खुद बना। आप खुद बना? क्या है इसके अंदर? अल्लाह का पूरा कलाम है। अच्छा, चलो आप अपन इसका पोस्टमार्टम करके देखेंगे इसमें क्या है। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर। ये है तावीज की हकीकत। ये है तावीज की हकीकत। क्या है ये? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आपसे मैं सवाल करता हूँ, आप जो है ना बैतुल खुला जाके ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते, कुरान की तौहीन सबसे ज्यादा कौन कर रहे? हम कर रहे हैं मुसलमान। ये क्या है? अल्लाह के कलाम को हम बैतुल खुला में लेके जाके जो है ना तावीज़ बना के। अब ये क्या है? ये हाथ, ये नंबर, ये सब नक्शे क्या है? ये हाथ किसका नक्शा है मालूम? शियों का नक्शा है। ये पंजतन पांच बोलते हैं, ये पूरा शियों का नक्शा है। और ये अगर कुछ नफा नुकसान के मालिक होते हैं, ये अगर कुछ नफा नुकसान के मालिक होते तो सबसे पहले ये लोग अपनी हिफाजत कर लेना। ये लोग खुद अपनी हिफाजत नहीं कर सकते तो तुम्हारी क्या हिफाजत कर सकते? क्या है इसमें? पेपर है का? और इसमें जो है ना अल्लाह का कलाम लिख के जो है ना हम गले में लगा के बाथरूम में जा रहे हैं, पैखाने में जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आज कुरान की तौहीन करने वाला मुसलमान है। अगर इसके अंदर इतनी ताकत होती, अगर ये आपको कुछ नफा नुकसान का मालिक रहता, अगर ये कुछ इसमें कुछ फायदा होता, अगर आप नफा नुकसान के मालिक होते अगर ये चीज, तो ये सबसे पहले इसकी हिफाजत करना था। लेकिन ये लोग अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सक रहे, आपकी क्या हिफाजत? देखिए मैं अब आपके सामने पढ़ाता हूं। ये खुद अपनी हिफाजत करने पे खादिर नहीं है, आपकी क्या हिफाजत कर सकती है? मामूली सा पेपर। ये सब छोड़िए, अपने ईमान को पुख्ता बनाइए अल्लाह के जिक्र से। ये जो पेशानी अल्लाह ताला दिया ना हमारे को, सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाने के लिए दिया, किसी और के सामने झुकाने के लिए। अल्लाह ही ने हमको पैदा किया और अल्लाह ही ने हमको मौत देगा और दोबारा हम अल्लाह ही के तरफ लौट के जाएंगे। खबर में सबसे पहला सवाल क्या है? मन रब का, तेरा रब कौन है? होगा ना, जब हम दुनिया में रब को नहीं पहचाने तो हम क्या जवाब देंगे? रब हमारा अल्लाह है। तो हमको इस दुनिया में रह के अल्लाह को पहचानना है। अल्लाह कौन है? अल्लाह ने हमको किस लिए पैदा किया? अल्लाह की इबादत के लिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में, औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्ना व इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने पैदा किया है इंसान और जिन्नात को सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने। लेकिन आज हम कर रहे हैं इबादत अल्लाह की? हवा अल्लाह दे रहा, भूख अल्लाह दे रहा, शाम अल्लाह दे रहा, चांद अल्लाह बनाया, सूरज अल्लाह बनाया, पानी अल्लाह बनाया, इस रूए जमीन में जितने भी चीजें हैं इन सब का मालिक है मुख्तार अल्लाह। लेकिन आज हम उसी अल्लाह को छोड़ देंगे, कुछ काम को नहीं आते चीजों की आज हम उनकी इबादत कर रहे हैं, मखलूक की इबादत कर रहे हैं, हम खालिक को छोड़ रहे हैं। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। असल में हमको अल्लाह की कदर नहीं मालूम, अल्लाह कौन है उसकी कदर हमको नहीं मालूम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही। बेशक इन लोगों ने अल्लाह की कदर को नहीं देखा, जिस तरह अल्लाह को कदर करना चाहिए था उस तरह ये लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं। अल्लाह ने दो आंख दी, अल्लाह ही ने दिया ना,
अगर अल्लाह दो आंख नहीं देता तो हमारा क्या चल रहा था। अरे इतनी नेमतें अल्लाह ताला तुमको दिया, फिर तुम अल्लाह के नाशुक्र बन गए। हर चीज अल्लाह ताला कयामत के दिन तुमसे हर चीज का सवाल करने वाला है। अल्लाह की जितनी भी नेमत है इनके बारे में अल्लाह तुमसे सवाल करने वाला है। क्या जवाब? एक नेमत का हम अदा नहीं कर सकते अल्लाह। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस उंगली को ये जो हरकत कर रही सिर्फ सीधा खड़ा कर देता तो हम क्या कर सकते थे अल्लाह का? कुछ कर सकते? देखो अल्लाह ताला इंसान के जिस्म में 360 जॉइंट्स लगा हड्डियों के। अगर इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला हड्डियों को जॉइंट नहीं देता तो इंसान ऐसा चलता है बस, कुछ भी हरकत नहीं कर सकता है। ना उंगली को मोड़ सकता, ना पैर को मोड़ सकता, ना हाथ को मोड़ सकता, ना अपनी पलकों को हिला सकता, ना अपनी जबान को हरकत दे सकता। लेकिन वो अल्लाह रहमान और रहीम है, हमको जो है ना इतना अशरफुल मखलूकात बनाया, आज हम उसी अल्लाह के जात में शरीक कर रहे हैं। अल्लाह ताला क्या बोल रहा मालूम? कुरान मस्जिद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह यूनुस में, अल्लाह ताला क्या बोल रहा बोलतो कि तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन जिन की इबादत करते हो, अल्लाह ताला बोल रहा तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन जिन की इबादत करते हो, जरा मुझे बताओ तो सही कि जमीन में उन लोगों ने क्या पैदा किया या फिर आसमान में उनका क्या हिस्सा कुछ है? ये तमाम मिल्कियत अल्लाह की है। हम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह गनी है, हम फकीर है। हम अल्लाह के दर के फकीर है, किसी और के दर के फकीर है, क्योंकि अल्लाह गनी है, हम सब फकीर। अल्लाह ताला होगा अंतल गनी अहलुल फकरा, अल्लाह गनी है, हम फकरा होगा, हम फकीर है, हम मिस्कीन है, हम अल्लाह के दर के, मखलूक के दर के नहीं। किसी मखलूक के दर पे सर झुकाने से कुछ फायदा नहीं, अल्लाह के दर पे सर झुका, क्योंकि वो मखलूकों का मालिक है। मखलूकों का ही नहीं बल्कि पूरी कायनात का मालिक है। उस अल्लाह को छोड़ दिया, हम मखलूक की इबादत कर रहे हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए इसलिए कि लोगों को इंसानियत की गुलामी से हटा के अल्लाह की गुलामी में लाए। आज हम इंसान के इंसान इंसान का गुलाम बना हुआ है। आप कोई बड़े हजरत दिखे छुप गए, आप कोई बड़े पीर दिखे छुप गए। हम इंसान की गुलामी के लिए नहीं, हम अल्लाह की गुलामी के लिए। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान मजीद में सूरह मुल्क में, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तबारक अल्लज़ी बियदिल मुल्क, अल्लाह ताला बोल रहा कि अल्लाह बादशाह है पूरी कायनात का। अल्लज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुअकुम अय्युकुम अहसनु अमला, और अल्लाह ताला हमने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि हम उनको आजमाए, उसको हम आजमाए कि उनमें से कौन अच्छे काम करने वाला है, कौन बुरे काम, और वो बड़ा ही गफूर रहीम है। ये चंद दिन की दुनिया है, अल्लाह हमको आजमा रहा तुम्हें से कौन अच्छे काम करने वाला है, कौन बुरे काम करने वाला है। सबसे अच्छा काम अपने खालिक की इबादत करना, अपने रब की इबादत करना। सबसे बुरा काम अल्लाह की जात में, अल्लाह की अस्मा सिफात में, अल्लाह की रुबूबियत में, अल्लाह के उलूहियत में किसी और को शरीक करना। जैसे कि औलाद देने वाला कौन है? अल्लाह है। हम किसी और को अल्लाह की जात में शरीक कर दिए तो ये अल्लाह की जात में शरीक होगा। जैसे कि हम कह रहे हैं कि ये भी फलाने पीर भी जो है ना औलाद देते, फलाने हजरत भी औलाद देने के जो है ना मालिक और मुख्तार है, अगर हम ऐसा बोल दिए हमारा ईमान खत्म, हम फिर मुशरिक होंगे। हर चीज का जर्रा जर्रा अल्लाह की हमद सना बयान करती, अगर हमद सना बयान नहीं करती तो आज का इंसान अल्लाह की हमद सना बयान नहीं करता। आपको मालूम होना चाहिए कि इस रुए जमीन का जर्रा जर्रा जो है ना अल्लाह की हमद सना बयान करता। आज कभी मेंढक की आवाज सुने वक्त और फोक बोलता है, वो क्या कहता है मालूम? अल्लाह की हमद सना बयान करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम मेंढक को मत मारो क्योंकि वो अल्लाह की हमद सना बयान करता है। आज हम अल्लाह की हमद सना बयान नहीं करते। सबसे ज्यादा इस रुए जमीन में नाशुक्र अगर कोई है तो वो इंसान। और अल्लाह ताला इस बात को कुरान मजीद में सूरह आदियात में इरशाद फरमाता है इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, बेशक इंसान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्र है। हर चीज अल्लाह हमको अता कर दिया फिर भी हम कहते हैं कि अल्लाह क्या दिया हम। अरे अल्लाह तुम्हारे जिस्म में जितनी नेमतें हैं एक नेमत के बारे में अल्लाह तुमको सवाल कर दिया तो तुम क्या जवाब दे सकते हो अल्लाह को? अल्लाह इस आंख के बदले तुम्हारे से पूछ लिया तो क्या जवाब दे सकते? इस नाखून के बदले में अल्लाह तुम्हारे से पूछ लिया, नाखून जो अल्लाह ताला की ये नेमत है इसके बारे में अल्लाह तुमको पूछ लिया तो तुम क्या जवाब दे सकते? तुम कुछ भी जवाब नहीं दे सकते। तो अल्लाह के अल्लाह को मालूम करना, अल्लाह कौन है अल्लाह को मालूम करना हमारे हर मुसलमान के लिए फर्ज है। तो आप क्या करिए, सबसे पहले अल्लाह के कुरान को पढ़िए, अल्लाह के कुरान को पढ़िए क्योंकि ये अल्लाह का पैगाम है पूरी इंसानियत के नाम। तो अल्लाह के पैगाम को हमको समझना चाहिए, अल्लाह हमसे क्या मुखातिब हो रहा, हमको क्या बोलना चाह रहा, हमको क्या देना चाह रहा, अल्लाह ताला क्या बोल रहा। अल्लाह ने खरीद लिया है ईमान वालों की अंबिया की जान इस दुनिया के बदले में, दुनिया के बदले में किस चीज से खरीद लिया है? जन्नत से खरीद लिया। अल्लाह जन्नत होना दुनिया होना,
दुनिया तो फना होने वाली है लेकिन जन्नत अल्लाह की बने बनाई हुई हमेशा हमेशा रहने वाली, वो कभी खत्म नहीं होती। तो हमको उस चीज की फिक्र करना ही है, उस चीज की फिक्र करना है हमको, इस चीज की नहीं। ये तो फना हो जाएंगी, कोई रह लो कितना बड़ा बादशाह रह लो, उसकी बिल्डिंग रह लो, उसकी कार रह लो, उसकी बैंक रह लो, हर चीज छोड़ के जाना है। आप बताइए मेरे को इस रुए जमीन में कोई ऐसा शख्स है जो ये कहे कि मैं मेरे को मौत नहीं आई, बोल सकता है? अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सूरह अली इमरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को हर जर्रे जर्रे को मौत, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज को फना होना है। सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहने वाली है, तमाम चीजें बर्बाद। जब हम उस अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह इस दुनिया के बदले में हमको जन्नत की रहमत देगा। तो आज से आप एक काम करिए, आज से आप अहद करिए कि आज से मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा और अल्लाह के कलाम को पढ़ूंगा और पढ़ के लोगों तक समझाऊंगा। यही एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, समझ गया? अल्लाह ताला हमको खामा खा नहीं पैदा करा, टाइम पास के लिए नहीं पैदा करा, कुछ मकसद के लिए पैदा करा। और वो मकसद क्या है? हम रूए जमीन में अल्लाह ही की इबादत करना और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम पर चलना, चलना नहीं और लोगों को बताना, जितना हमको इल्म है दूसरों तक पहुंचना। यही एक मुसलमान की जिम्मेदारी है, लोगों को जहन्नुम की आग से बचाना, लोगों को शिर्क से बचाना, तौहीद की तरफ दावत देना, अल्लाह की तरफ दावत देना, एक मुसलमान की जिंदगी का मकसद है। तो इंशाल्लाह आज से आप वादा करिए, आज से आप वादा करिए अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे, समझेंगे और लोगों को समझेंगे, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम।